हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश, आपका आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी चैनल पर स्वागत करता हूं, जो कि वाईफाई स्टडी का पार्ट है, अनअकैडमी का पार्ट है। तो आज 12 नवंबर है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स हैं। ये किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम होगा, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स आता ही आता है। और एक बेहतरीन करंट अफेयर्स है दीपावली के टाइम पर। तो देखिए, देश दुनिया में क्या क्या खबरें रही हैं, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत जरूरी करंट अफेयर्स। तो आइए नेक्स्ट। तो देखिए, सबसे पहले खबर है प्रधानमंत्री, सबसे पहले है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2022 तक 30.8 गीगावाइट और क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मतलब क्या है? सबसे पहले, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत सरकार बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाने जा रही है 2022 तक। 2022 तक भारत सरकार बड़े बड़े सोलर, सौर ऊर्जा से चलने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन किया जाएगा, जो कि किसानों की सिंचाई में बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। यानी किसानों के जितने भी सबमर्सिबल्स होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, वो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाए जाएंगे पूरे देश में, जिससे 30.8 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लॉन्च किया है, जिसके तहत 30.8 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है। आइए प्रधानमंत्री सोलर कुसुम पंप योजना को देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारे देश में किसानों को होती है, सबसे पहले तो किसान खेती करता है तो उसकी सबसे पहली चुनौती खेती में आ जाती है कि वो फसल कैसे बोए, क्योंकि भारत के करीब करीब 60% क्षेत्र में पानी की कमी है। भारत में करीब करीब 60% क्षेत्रों में पानी की कमी है, और पानी की कमी के चलते बहुत बड़ी परेशानी आती है किसानों को। किसानों को कौन सी परेशानी है, क्योंकि पता है किसानों को पानी कहाँ से मिलता है? सबसे पहले किसान नहरों और बम्बों से, यानी कैनाल से, और छोटे छोटे बम्बे होते हैं गाँव में, वहाँ से पानी से खेती की सिंचाई करते हैं। दूसरा होता है ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल में भी कई बार क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे होता है। अब भैया सबसे तीसरी परेशानी होती है कि बार बार बिजली चली जाती है, क्योंकि गांव में 100% बिजली का अभी भी पहुंच नहीं है। तो यानी कि ना तो कई बार 50% शहरों पर, 50% गाँव में ना तो कैनाल है, नहरें हैं, ना बम्बे हैं, और ना ही बिजली आती है। इसकी वजह से भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना। प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना, इसके तहत भारत सरकार किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वपूर्ण कदम है। और इसके तहत पूरे देश में 2022 तक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और 30 गीगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिससे किसानों को 100% 2400 घंटे बिजली मिले और वो ट्यूबवेल चला सके, अपनी सबमर्सिबल चला सके, और जिससे किसानों की सिंचाई अच्छी तरह होती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बेटा यहाँ से। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए 2022 तक सौर ऊर्जा से चले 70.50 लाख सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य है। यानी भारत में अब प्रधानमंत्री सरकार, मोदी सरकार, 70 लाख सिंचाई पंप लगाने वाली है, जो कि सौर ऊर्जा से चलेंगे। इसी के लिए 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ग्रिड से जुड़े 10 लाख पंपों को सोलर पंपों में बदला जाएगा। जो 10 लाख गांव में पंप जुड़े हुए हैं, जो बिजली से जुड़े हुए हैं, उनको बिजली से हटाकर सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, जिससे कि 2400 घंटे उनके पास बिजली रहे। और तीसरा है, बंजर भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित। यानी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि 2 मेगावाट बिजली के सोलर प्लांट वो खुद लगाएं, सरकार इसमें बहुत अच्छी छूट देगी। और चौथा है, योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रदान करेगी 34.482 करोड़ रुपए की वित्त सहायता। तो भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है कुसुम सोलर पंप योजना। इसके तहत भारत सरकार 18 लाख सोलर पंप लगाने जा रही है, जो कि सौर ऊर्जा से चलेंगी, जिससे किसानों की सिंचाई में उनको दिक्कत नहीं होगी।
और दूसरा है किसानों को भी कहा जाएगा कि भैया आप सोलर पंप लगाओ, सरकार उसका पैसा देगी। इसके लिए सरकार 34.422 करोड़ रुपए वित्त सहायता देने के लिए तैयार है, यानी कुसुम योजना के तहत भारत सरकार 34.482 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसके तहत पूरे देश में जगह जगह पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और ट्यूबवेल्स को समरसेबल्स को जो बिजली से चलती हैं उनको हटाकर सोलर प्लांट से चलाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने कुसुम योजना लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़कर जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़कर जाना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम क्या है, तो इसका लक्ष्य है 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली सोलर प्लांट से सूर्य ऊर्जा से उत्पादन करना, जिसके तहत किसान अपनी सिंचाई कर सके। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आइए देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कुसुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, और इसमें भारत सरकार इसमें 34.35 करोड़ रुपये 34.35 करोड़ रुपये से संशोधित केंद्रीय वित्त समर्थन के साथ किया प्राप्त किया जाएगा। इस योजना के तीन घटक अनुसार हैं। इस योजना के तहत तीन पॉइंट है। पहला है कि 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, यानी जो भी किसानों की भूमि है उन पर 10,000 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे वो ऑल टाइम बिजली पा सकें और बिजली पाने से वो अपनी सिंचाई कर सकें। दूसरा है 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 5 लाख स्टैंड लेन और ऊर्जा कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे। 7.5 हॉर्स पावर की सौर ऊर्जा कृषि पंप लगाई जाएंगी, जिससे ऑल टाइम उनको सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे, बिजली मिलती रहे। और दूसरा है 10 लाख ग्रिड से जुड़े सोलराइज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है 10 लाख ग्रिड, ग्रिडों का मतलब होता है बिजली से जुड़े हुए। आपने गांव में देखा होगा समरसेबल होती हैं, गाँव में आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स होते हैं, तो ज़्यादातर समरसेबल से होती हैं, वो बिजली से चलती हैं। अब बिजली नहीं आएगी तो किसानों की सिंचाई कैसे होगी, इसलिए 10 लाख सोलर पंपों को बिजली से हटाकर उनको सोलराइज किया जाएगा, उनको सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आइए नेक्स्ट। तो देखिए भैया, अब हमारे दुनिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो है अर्मेनिया और अजरबैजान। नाम सुना होगा आपने अर्मेनिया और अजरबैजान का। पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है इस वक्त, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जैसे चीन को देख लो, चीन की बात करें तो चीन अपना विस्तारवादी नीति चला रहा है, यानी चीन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, सिक्किम हमारा है। उसके बाद चीन वियतनाम में जा रहा है, चीन ताइवान में जा रहा है, चीन जापान में जा रहा है, चीन ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। तो लगातार चीन अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहा है, जिसकी वजह से युद्ध की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। और हमारे आर्मी के CDS बिपिन रावत ने भी कहा है कि युद्ध होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। इधर पाकिस्तान के से हमारा विवाद चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ उधर ही बात करूँ अपने से थोड़ा सा ऊपर, तो यही भैया दो देश हैं जो अर्मीनिया और अजरबैजान हैं। ये रूस के क्षेत्र हुआ करते थे, यानी पहले आपको पता होगा एक USSR हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ ऑफ रशिया। तो यूएसएसआर में करीब करीब 15 देश थे, और अमेरिका के दखल के बाद वो 15 देश अलग हुए थे। उन्हीं में से दो देश निकले थे जिसका नाम था अर्मेनिया और अजरबैजान। यहाँ से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दो यानी सोवियत संघ में से दो देश अलग हुए थे, अर्मेनिया और अजरबैजान। अगर मैं बात करूँ अजरबैजान की, तो बेटा अजरबैजान ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बहुल देश है, और अर्मेनिया में क्रिश्चियंस रहते हैं और अजरबैजान में मुस्लिम्स रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। अब हुआ क्या, इन दो देशों के बीच एक क्षेत्र आ गया। देखिए इन दो देशों के बीच एक क्षेत्र आ गया जिसका नाम है नागोर्नो काराबख। ये लाल लाल क्षेत्र दिख रहा होगा बीच में, इधर अर्मेनिया है, इधर देखिए अर्मेनिया, इधर अजरबैजान है, इधर अर्मेनिया, इधर अजरबैजान, बीच में लाल लाल क्षेत्र है, उसको कहते हैं नागोर्नो काराबख। नागोर्नो काराबख ये क्षेत्र ऐसा था, जब रूस से ये दोनों देश अलग हुए तो रूस ने एक बिल पास करके इसको नागोर्नो काराबख को अजरबैजान में दे दिया था, लेकिन अर्मेनिया ने बाद में अपना प्रस्ताव पास करके नागोर्नो काराबख को अपने देश में जोड़ लिया। उसके बाद भैया इन दो देशों के बीच इतना विवाद हो गया इस क्षेत्र को, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच
इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर। ऐसी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबख एक क्षेत्र है, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया। इसके बाद दोनों देशों में युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई और इन्होंने लगातार एक दूसरे के ऊपर फाइटर प्लेन गोले बरसाना शुरू कर दिए। अब सबसे पहले अजरबैजान की बात करूं तो बेटा अजरबैजान अजरबैजान ने अमेरिका की अर्मेनिया की हालत खराब कर दी। अजरबैजान क्योंकि मुस्लिम देश है तो पाकिस्तान और तुर्की सीधे इसके साथ आ गए और तुर्की ने अर्मेनिया के ठिकानों पर हमला भी कर दिया। अब अर्मेनिया क्रिश्चियन देश है तो अर्मेनिया का एक संगठन है वो सीधा रूस के पास पहुंच गया, हमारी मदद कीजिए। रूस ने टर्की को सीधा सीधा भैया सुना दिया और कहा अगर बीच में अगर आप आओगे तो रूस अर्मेनिया की तरफ से आएगा। तो इधर युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन 3 दिन पहले ही रूस का हेलीकॉप्टर अजरबैजान ने गिरा दिया, जिसके बाद बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई युद्ध की। उसके बाद रूस की धमकी के बाद दोनों देशों के बीच रूस ने कहा या तो प्यार मोहब्बत से संधि कर लो अदरवाइज रूस को जंग में उतरना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी अभी रूस ने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच संधि कराई है नागोर्नो काराबख क्षेत्र को लेकर। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है। इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है नागोर्नो काराबाग, जिसमें दोनों ही देश अपना क्षेत्र अधिकार मानते हैं, अपना क्षेत्र अधिकार मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। इसी को देखते हुए रूस ने हाल ही में दोनों देश के बीच संधि कराई है और कहा है कि युद्ध बंद किया जाए। लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं और लगातार आम नागरिक भी मर रहे हैं, जिसमें दोनों दोनों देशों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसके बीच भैया ये डील पक्की करा गई है। तो रूस ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये डील पक्की कराई है, इसको आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए इस डील में क्या क्या कहा गया है। इन दो देशों के बीच शांति समझौता के मध्य रूस द्वारा की गई है। इस शांति समझौते पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीविया और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पेशियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों के बीच जो शांति डील हुई है, जो पीस डील हुई है, इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साइन है और अजरबैजान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इलहाम अलीविया के और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस एशियान के। तो तीनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है जो रूस ने कराया है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि 15 नवंबर तक अर्मेनिया अपनी फौज वापस बुलाएगा, 15 नवंबर तक अर्मेनिया अपनी फौज वापस बुलाएगा और 1 दिसंबर तक पूरी फौज वापस आ जानी चाहिए। दूसरा है इस क्षेत्र में यानी नागोर्नो काराबख में रूस के 2000 सैनिक हमेशा रहेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर रशियन पीस कीपर, यानी कि रूस की शांति सेना के 2000 सैनिक हमेशा नागोर्नो काराबख पर रहेंगे, जिसकी तरफ से वो देखेंगे कि कौन सा देश पहल कर रहा है युद्ध की। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति समझौता हो चुका है जो रूस ने कराया है, जिसके तहत रूस के 2000 शांति सैनिक हमेशा नागोर्नो काराबख में रहेंगे, जिससे दोनों देशों की हलचल पता कर सकें कि कोई देश लड़ने के लिए तैयार तो नहीं है। तो भैया ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसा ही हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर हो जाए। हालांकि हमारे देश में पीओके वाला जो विवाद है ये बहुत साल पुराना है और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर नेहरू नहीं होते तो पीओके नहीं होता, पूरा कश्मीर भारत का होता। क्यों? क्योंकि हमारी सेनाएं लड़ रही थी लगातार और वो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए और उन्होंने युद्ध बंद करवा दिया और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद ये कहा गया युद्ध में जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास आ गया वो पाकिस्तान का और जो हिस्सा इंडिया के पास आ गया वो इंडिया का। युद्ध बंद करना पड़ा और तीन में से दो हिस्से इंडिया के पास आ गए, तीन में से एक हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया, उसी को बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और सरदार पटेल ने कहा भी था कि 2 दिन और नेहरू संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते, 2 दिन नेहरू संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते तो आज पूरा कश्मीर नहीं पूरा बलूचिस्तान भी भारत का होगा। इस तरीके से हमारी सेना लड़ रही थी और पटेल ने कहा भी था कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर युद्ध बंद करवा कर जो भारत के भविष्य के लिए फैसला लिया है वो घातक साबित होगा। और हो रहा है ना, इतने लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर को लेकर हमारे देश में।
नहीं तो अगर सरदार पटेल इसको देखते तो कब का कश्मीर हमारा होता, एक सुई तक इधर उधर नहीं होती। तो भैया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति समझौता हो चुका है जो रूस ने कराया है। नागोर्नो काराबख में रूस के 2000 सैनिक शांति समझौता के तहत रहेंगे। आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भैया नेक्स्ट है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट खबर आई है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो SCO, हाल ही में SCO की 20वीं बैठक हुई है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं बैठक हुई है हाल ही में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि अगर मैं बात करूं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं बैठक की, तो इसमें इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अध्यक्षता की है, यानी रूस की अध्यक्षता में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग हुई है और इसमें भारत ने भी भाग लिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 8 देशों का एक समूह है, 8 देशों का समूह है, और 8ों देश मिलकर हर साल इसकी मीटिंग करते हैं, जिसके तहत आतंकवाद, आर्थिक कमजोरियां, एक दूसरे देशों में व्यापार, इन पर नजर डाली जा सके और इनको बढ़ाया जा सके। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो इंडिया ने हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लिया है जिसको अध्यक्षता की है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। तो आइए इसकी कुछ खबरें देख लेते हैं। देखिए भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संघाई संगठन का ये 20वां शिखर सम्मेलन है, 20वीं बैठक है। 2005 में इसको एक पर्यवेक्षक के रूप में जोड़ा गया था, यानी 2005 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, संघाई संगठन की, भारत ने अस्थायी सदस्यता ली थी। लेकिन 2017 में भारत को संघाई संगठन का परमानेंट सदस्य बना दिया गया रूस के कहने पर। 2017 के बाद इस शिखर सम्मेलन में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव का प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यानी ये 20वीं बैठक है संघाई कॉरपोरेशन की, जिसका 20वीं बैठक में इसका अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं संघाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इस शिखर सम्मेलन की रूसी राष्ट्रपति पुतिन अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी ये सम्मेलन रूस में हो रहा है। संघाई संगठन जो चल रहा है ये रूस में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता पुतिन कर रहे हैं। इसमें 8 देश हैं बेटा, इंडिया, चाइना, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी इसमें 8 देश हैं। 8 देश में भारत, चीन और रूस तो हैं ही, इनके अलावा पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये सारों के हर साल इनकी बैठक होती है और बैठक में हर देश भाग लेता है, जिसमें अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है और ये रूस में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 75वीं वर्षगांठ है। देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ है, तो विश्व युद्ध 75वीं वर्षगांठ के बारे में बातचीत हुई है, कोरोना वायरस के खतरे को लेते हुए सभी देशों में बातचीत हुई है, और डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी ऑनलाइन लेन देन की भी बात हुई है, और तीसरा है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सारे देश एक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और चीन को अभी अभी इसी बैठक में बहुत बुरी तरह सुनाई है कि ऐसे ऐसे बार बार सम्मेलन मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी जमीन से आतंकवाद को नहीं रोकोगे और क्षेत्र का विस्तार नहीं रोकोगे। तो उसके बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों की बहुत किरकिरी हुई है इसके बाद। तो भैया इसमें कोरोना वायरस के बारे मुद्दे पर चर्चा हुई है कि कोरोना को कैसे कैसे देश हराएंगे, और रूस ने 8ों देशों के सामने पेश की है अपनी टीके को कि तो आप अपने हमारे टीके को बनाइए, और उसके बाद अब देखो कौन सा देश क्या करता है। दूसरा चाइना किस टीके पर काम कर रहा है, इंडिया किस टीके पर काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बात हुई हैं। अगर मैं बात करूँ संघाई कॉरपोरेशन की, तो बेटा 8 सदस्य हैं। तो हाल ही में रूस में आयोजित संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने रिप्रेजेंटेशन लिया, ये 20वीं बैठक है, इसमें 8 सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट। पंजाब ने सीबीआई को दी आम सहमति वापस ली, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बेटा। पंजाब विड्रॉ जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू सीबीआई टू प्रोब केसेस। आपने सुना होगा सीबीआई के बारे में, सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसने पंजाब ने इस दी आम सहमति वापस ले ली है। देखो ये क्या चीज है सीबीआई, ये क्या कहना चाह रहा है खबर। मुझे मालूम है आप सभी को ये खबर समझ में नहीं आ रही होगी कि पंजाब विड्रॉ जनरल कंसेंट अकॉर्ड टू सीबीआई टू प्रोब केसेस। देखो सीबीआई को कैसे केस मिलता है,
कोई भी, चाहे मर्डर केस हो, चोरी का केस हो, डकैती का केस हो, करप्शन का केस हो, घोटाले का केस हो, सीबीआई जांच करती है। लेकिन बेटा याद रखना, सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, यानी दिल्ली की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है सीबीआई। दूसरी बात है कि सीबीआई संवैधानिक नहीं है, सीबीआई का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सीबीआई डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। संवैधानिक कोई भी संवैधानिक, इसका आपके संवैधानिक किसी भी आर्टिकल में जिक्र नहीं है। अब देखो सुशांत सिंह केस बताता हूं मैं आपको, सुशांत सिंह केस से आपको एग्जाम्पल देता हूँ सीबीआई कैसे जांच करती है। जैसे ही आपको पता होगा कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का शव अचानक पंखे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया कि इनका मर्डर हुआ है। अब जब मर्डर हुआ है तो भैया मर्डर को देखती है स्टेट पुलिस, तो महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर उनके पिता ने सवाल उठा लिए। उसके बाद बिहार की पुलिस जांच करने गई, क्योंकि उनकी संपत्ति बिहार में थी, उनके एक ही उत्तराधिकारी बचे थे उनके पिता, तो उनकी बिहार पुलिस जांच करने गई, तो बिहार पुलिस को भी महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने रोक दिया। जब महाराष्ट्र सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट पुलिस फेल हो जाती है, तब परिवार उसका सीबीआई जांच कर सकता है। तो सबसे पहले तो स्टेट मंजूरी देता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी देती है सीबीआई जांच की। तो बिहार ने सीबीआई जांच की मांग की थी केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार सीबीआई को आदेश देती है कि भैया जांच करो। हालांकि अगर मैं चाहूं और मेरे साथ कोई केस हो जाता है तो मैं डायरेक्ट कोर्ट में जाकर सीबीआई की मांग कर सकता हूं, आप डायरेक्ट भी सीबीआई की मांग कर सकते हो। अब कोर्ट बोलेगा कि भैया सीबीआई की मांग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ध्यान से सुनना यार, ठीक है? तो याद रखना सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, वो किसी की जांच नहीं करती है डायरेक्ट, मांग करने पर जांच करती है। और पहली बात है कोर्ट मांग करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप मांग करोगे वही सीबीआई का आदेश दे सकते हैं, अदरवाइज कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच की मांग करती है, फिर केंद्र सरकार सीबीआई को आदेश देती है जांच की जाए। हालांकि जिसकी जांच हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको रुकवा भी सकता है, लास्ट में मतलब कोर्ट होता है, कोर्ट जांच का आदेश भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जांच का रोक भी सकता है। तो भैया राज्य की सिफारिश पर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सीबीआई की जांच होती है। तो देखो अब सीबीआई हर स्टेट में जांच करती थी, जैसे सुशांत केस में डायरेक्ट सीबीआई पहुंच गई और बैंड बजा दी। तो अब याद रखना महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी थी कुछ दिन पहले कि सीबीआई बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी जांच नहीं करेगी स्टेट में। हाल ही में इसी चीज को पंजाब ने लागू कर दिया है, अब पंजाब सरकार ने भी रोक लगा दी है कि सीबीआई डायरेक्ट पंजाब में कोई भी केस को नहीं देखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पंजाब सरकार ने रोक लगा दी है कि पंजाब सरकार की बिना अनुमति के सीबीआई कोई भी जांच नहीं कर सकती पंजाब में। केंद्र सरकार अगर आदेश दे भी देता है तो बिना पंजाब सरकार के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, इसी को वापस ले लिया है। तो देखिए अब से सीबीआई को किसी भी मामले में जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई स्टेट में जांच करती है तो याद रखिएगा राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य, अदरवाइज नहीं कर सकती है। यह कदम झारखंड केरल सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने के फैसले के एक भीतर आया है। यानी सोचो जो राज्य केंद्र सरकार से डरे हुए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार से, बीजेपी सरकार से डरी हुई है, उन्होंने ही ये फैसला लिया है और अपने कानून में अमेंडमेंट किया है स्टेट के कानून में कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई कोई जांच नहीं करेगी। अब ये झारखंड केरल अभी अभी लिया है इन्होंने फैसला, और इसके बाद पंजाब ने भी ले लिया है। पंजाब से पहले कई राज्यों ने इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई सहमति को रद्द कर दिया है, और वो कौन कौन से हैं बेटा, झारखंड केरल राजस्थान महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, और अब हो गया पंजाब। तो ये सारे राज्य देख लो आप, सारे राज्य देखो, झारखंड केरल राजस्थान महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और बंगाल, इन सारों में बीजेपी की सरकार नहीं है, इनमें कांग्रेस ममता बनर्जी इनकी सरकार है। इसीलिए इन्होंने अपने स्टेट के कानून में रोक लगा दी है कि सीबीआई स्टेट में कोई भी जांच नहीं कर सकती डायरेक्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के। अब सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मान लो आपका कोई केस हो गया और आपने सीबीआई की मांग की केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने सीबीआई की अनुमति दे दी, तो सीबीआई, अगर आप पंजाब के हो तो सीबीआई पंजाब सरकार से पहले अनुमति लेगी आपकी जांच करने के लिए, अदरवाइज नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं बेटा सीबीआई की, तो सीबीआई एक गैर संवैधानिक निकाय है। राजस्थान के हाईकोर्ट ने कहा भी था कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है,
किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, उसकी बैंड बजा देते हैं सीबीआई वाले। तो सीबीआई संवैधानिक नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं भैया, इसके सीबीआई डायरेक्टर हैं, महानिदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और 1963 एक अप्रैल को इसका गठन हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला, नई दिल्ली में मुख्यालय, और संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और केंद्र सरकार किसी का भी, चाहे वो घोटाला हो, करप्शन हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, किसी भी जांच की अनुमति दे सकती है। लेकिन अब पंजाब से साथ साथ 6 राज्यों ने भी रोक लगा दी है कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी जांच नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइए नेक्स्ट भैया, कल ही हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया, नेशनल एजुकेशन डे। नाम देख रहे होंगे और सामने एक फोटो देख रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ये है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मतिथि पर इन्हीं को याद करते हुए हर साल 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद इनको पहला शिक्षा मंत्री, पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। इन्होंने ही आईआईटी की नींव के लिए सरकार से पहली बार पेश की थी कि हमारे देश में आईआईटीज भी होने चाहिए, सबसे बड़े टेक्निकल संस्थान। तो इन्हीं की बर्थडे पर, इन्हीं के जन्मदिवस पर हर साल इन्हीं को याद करते हुए हम राष्ट्र शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो राष्ट्र शिक्षा दिवस देश के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्मृति में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एजुकेशन डे किसकी, किसको याद करते हुए मनाता है, किसकी स्मृति, तो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हो गए कि एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को, किसकी स्मृति में, अबुल कलाम आज़ाद, कौन थे वो पहले शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होने पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2000, सुनिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कांग्रेस सरकार ने 2008 में स्टार्ट किया था। 2008 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के पर, याद रखना। वो 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री रहे थे। वे 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े युवा अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल ही 11 नवंबर को हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करते हुए हमारा शिक्षा दिवस मनाया है, नेशनल एजुकेशन डे। ये भैया 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे और 35 साल की आयु में सबसे पहले, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आइए नेक्स्ट खबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हाल ही में देखो हमारे देश की वायुसेना की बात करें, आप सामने देख रहे होंगे एक फाइटर प्लेन है। तो हाल ही में अमेरिका ने इंडियन नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए F-18 नेवल फाइटर जेट की पेशकश की है। यानी अमेरिका ने भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को F-18 लड़ाकू जहाज की पेशकश की है कि आप इसको खरीदिए, बहुत बेहतरीन है। इसका पूरा नाम है F-18 हॉर्नेट फाइटर प्लेन और ये दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा सकता है और अमेरिकन नेवी का बहुत बढ़िया फाइटर प्लेन है। लेकिन मैं बात करूँ अपनी एयरफोर्स की, तो देखो हमारी दुनिया में चौथे नंबर की एयरफोर्स है। अगर आर्मी की बात करें तो दुनिया की दूसरे नंबर की आर्मी भारत की आर्मी है, दुनिया की चौथे नंबर की नेवी भारत की नेवी है और चौथे नंबर की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना के पास बेटा 1700 फाइटर प्लेन है, इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 प्लेन है जिसमें 900 लड़ाकू जहाज हैं और 400 हेलीकॉप्टर्स हैं। और लगातार भारत अभी अभी फाइटर प्लेन खरीद रहा है। हमारी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी था MiG-21। हमने रूस से 1971 के युद्ध के बाद MiG-21 लिए थे 500, लेकिन MiG-21 रिटायर हो चुके हैं और क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल्ट आ रहे थे, बार बार क्रैश हो रहे थे, तो MiG-21 को भारत, इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर कर दिया है। MiG-21 के बाद इस वक्त हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है Sukhoi-30 MKI। हमने रूस के साथ बना रहे हैं Sukhoi-30 MKI जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाई थी। तो Sukhoi-30 MKI
हमारा बेहतरीन फाइटर प्लेन है इस वक्त हमारे देश का, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 270 से ऊपर हमारे सुखोई 30M के आई हैं और दुनिया का वो 6वें नंबर का फाइटर प्लेन है। उसके साथ साथ फ्रांस के कई सारे फाइटर प्लेन है, जेगुआर हो गया, और उसके बाद अभी अभी हमने फ्रांस से लिया राफेल। राफेल दुनिया का चौथे या तीसरे नंबर का फाइटर प्लेन है। उसके साथ साथ हमने अब राफेल ले लिए फ्रांस से, रूस से हम सुखोई ले रहे हैं, तो अमेरिका बोल रहा है भैया व्यापार हमारे साथ भी तो करो। और अमेरिका ने इंडियन नेवी को F-18 नेवल फाइटर प्लेन की पेशकश की है कि इसको लो, लेकिन अमेरिका बहुत चालाक है। अमेरिका का सबसे बढ़िया फाइटर प्लेन है F-22, दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-22 राप्टर, अमेरिका वो नहीं दे रहा है इंडिया को। उसके बाद दूसरे नंबर का जहाज है अमेरिका का फाइटर प्लेन है, वो है F-35। F-35 अमेरिका ने इसराइल को दे दिया है पर इंडिया को नहीं दे रहा है, इंडिया को क्या दे रहा है, F-18, F-21 इनको दे रहा है। इसी के तहत भारतीय इंडियन नेवी ने अभी इस पर रोक लगा दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए भैया, दो मोटरसाइकिल से खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दो मोटरसाइकिल से। इसके बाद बेटा अभी टेस्ट होगा आपका, अभी आपका क्विज टेस्ट होगा, जो मैंने अभी अभी करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, जो हमारे देश में घटनाएं चल रही हैं, मैं उसका टेस्ट भी लूंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो भैया हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प को और हार्ले डेविडसन ने, दोनों ने हाथ मिला लिया है। दुनिया की सबसे बेहतरीन बाइक कंपनी है हार्ले डेविडसन, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी मोटरसाइकिल बनाती है हार्ले डेविडसन। अगर आप देख लोगे तो लगेगा एक बार इस बाइक को चूम लूं, इतनी सुंदर होती है और बेहतरीन बाइक होती है। एक बाइक की कीमत 7 लाख से लेकर 10 लाख तक है। तो हार्ले डेविडसन जिसकी कीमत 7 से 10 लाख है, उसने हमारे देश की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ संधि की है, साइन किया है कि अब से हार्ले, देखो चक्कर क्या है, हमारे देश में हार्ले डेविडसन कोई खरीदता नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि महंगी इतनी है। अब वो कुछ बिकेंगी, उसके बाद वो प्लांट लगा के रखेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, अलग से बिल्डिंग खरीदेंगे। तो हार्ले डेविडसन ने हीरो मोटोकॉर्प से, हीरो होंडा जो नाम सुना होगा, हीरो मोटोकॉर्प से साइन कर दिया है कि अब आप अपने शोरूम के थ्रू हमारी हार्ले डेविडसन को बेचो और उनकी सर्विसिंग करो। तो हीरो मोटोकॉर्प में भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को बेचने, केवल बेचने और सर्विसिंग से लिए एग्रीमेंट किया है। अब से हार्ले डेविडसन आप हीरो के शोरूम से खरीद सकते हो और उसकी सर्विसिंग हीरो के शोरूम में करवा सकते हो। अब हार्ले डेविडसन को अपने हेडक्वार्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ने साइन किया है। तो भैया जल्दी जल्दी बच्चे लाइक शेयर करते रहना यार, बहुत इंपॉर्टेंट खबर पढ़ा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट खबर बेटा उड़ीसा से है। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। उनका ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिलेगी तो साथ साथ खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, किताब भी मिलेंगी, सॉक्स भी मिलेंगे, जूते भी, बैग भी, सब कुछ मिलेगा। अब हर राज्य सरकार जो खाना देती है बच्चों को उसमें सुधार की काम कर रही है, लेकिन अभी अभी उड़ीसा सरकार ने आंगनवाड़ी में मछली को आहार में जोड़ दिया है, क्योंकि उड़ीसा में देखा जा रहा था कि प्रोटीन नहीं मिल रही थी बच्चों को। उड़ीसा में जो स्कूल के बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन नहीं मिल रही थी, तो उड़ीसा सरकार ने मछलियों को जोड़ दिया है आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पांच अंडे, अब देखो क्या क्या उड़ीसा सरकार देने वाली है सरकारी स्कूल के बच्चों को, 5 अंडे देगी 1 सप्ताह में हर चाइल्ड को, उसके बाद चावल दाल लेमन मंडे ट्यूसडे को पूरा ये दे दिया। यानी उड़ीसा की सरकार ने हर गवर्नमेंट स्कूल को ये मेनू दिया है कि आप सरकारी स्कूलों को बच्चों को ये खाना दोगे, ऐसी शिक्षा दोगे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ऐड फिश न्यूट्रिशन टू आंगनवाड़ी डाइट चार्ट, भारत का पहला एकमात्र राज्य जिसने मछली को सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में जोड़ दिया, जिससे उनकी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। सुचित्रा मिश्रा बोल रही है सर तो मिल्क भी प्रोवाइड करवाते हैं, बेटा मिल्क भी है, राइस बॉइल्ड एग वेजिटेबल कड़ी लेमन सब कुछ है, राइस एगी कड़ी लेमन सब कुछ है, दूध वूध देखो अगर आप इसको पढ़ोगे तो पूरा है। तो भैया उड़ीसा सरकार पहला राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए बहुत बड़ी खबर आई है, देखिए आपको पता होगा जितने भी हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ये सारे गरीब देश हैं, सारे गरीब देश हैं, लेकिन एक बहुत बड़े अरब देश से, बहुत पैसे वाले अरब देश से बहुत दुख की खबर आई है।
चाहे वो दुबई, बहरीन, यूएई, ये सारे पैसे वाले देश हैं, और असल में ये मुसलमान बाकी मुसलमानों को मुसलमान मानते नहीं है। तो भैया बहुत बड़ी खबर आई है बहरीन से, बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, बहरीन के राजा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 11 तारीख को निधन हुआ है, और वो विश्व के सबसे ज्यादा लंबे सर्विंग प्रधानमंत्री थे, 84 साल के। यानी बहरीन के प्रिंस का हाल ही में निधन हुआ है, जो विश्व के सबसे लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं बहरीन के। सोचो, 1970 में, 1970 से प्रधानमंत्री रहे हैं बहरीन के, जिनका 84 साल की उम्र में अमेरिका के कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, याद रखिएगा। तो बहरीन के प्रधानमंत्री का 84 साल की उम्र में निधन, सबसे लंबे समय तक संभाली प्रधानमंत्री की कुर्सी। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, हाल ही में किस देश के प्रिंस या प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, तो बहरीन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बहरीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तीसरा आएगा, विश्व के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, बहरीन के प्रधानमंत्री। 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो देखिए, वो 84 साल के थे, रॉयल कोर्ट ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री के निधन की घोषणा की, यानी बहरीन का जो कोर्ट है मेन, उसका नाम है रॉयल कोर्ट ऑफ बहरीन। रॉयल कोर्ट ऑफ बहरीन ने ये घोषणा की कि बुधवार को हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, और स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के मायो क्लिनिक हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। 1970 से संभाली है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी, 1970 से बहरीन के प्रधानमंत्री रहे हैं इनके प्रिंस। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, शेख खलीफा का जन्म 1935 में हुआ था, और वो बहरीन के शाही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। 1970 के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो भैया अब पूरी डिटेल में करंट अफेयर हो चुके हैं, मैंने कल की और परसों की जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो आपके पेपर में आ सकती हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, करंट अफेयर्स की क्विज कराने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे भाग लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैं करा चुका हूँ आपको डिटेल में। तो जल्दी जल्दी कमेंट का आंसर देना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए बताइए। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में किस जिले को सबसे बढ़िया जिलों की सूची में शामिल किया गया है, बताइए। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि इंडिया का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिसमें खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, बिजली, पानी सारी सुविधाएं। तो बताइए, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में किस डिस्ट्रिक्ट को सबसे बढ़िया जिलों की सूची में टॉप किया है, जल्दी कमेंट करो सब बच्चे, जल्दी, शाबाश, लाइक करो, शेयर करो, लाइक शेयर सभी करना, कमेंट करो जल्दी। तो बेटा इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली को हाल ही में नीति आयोग ने बेस्ट जिले का अवार्ड दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का चंदौली, इसका आंसर सी है, पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट बताइए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी। बेटा मैं डिटेल में करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ, अब करंट अफेयर की क्विज करा रहा हूँ, अगर अब आपको नहीं आए तो देखना, बताइए सब बच्चे कमेंट करो। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया विश्व का, तो बेटा याद रखना, जल्दी बताओ, शाबाश, कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट को। कुमार शानू, अंकित नामदेव, विशाल कुमार, संदीप कुमार, सेकंड का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। एस के शौर्य, विशाल गुप्ता, रंजीत मृधा, तुक्के मत मारो, आंसर बताओ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाथी, दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों को संरक्षित करने का केंद्र बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है, तो बेटा याद रखना, सेकंड का आंसर है केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुर से 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का संरक्षण केंद्र बनाया गया है, सेकंड का आंसर है सी, जल्दी जल्दी, शाबाश, बताइए। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने फुल स्ट्राइक एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की है, हाल ही में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने फुल स्ट्राइक एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की है, थर्ड का आंसर बताओ जल्दी, शाबाश दीपश्री, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, बताइए। हाल ही में सशस्त्र सेनाओं की फुल स्ट्राइक एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, तो लाइक शेयर करते रहो, जल्दी जल्दी लाइक शेयर, कमेंट करना है लास्ट में, सर आपका सेशन कैसा लगा, तो बेटा याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड में हाल ही में तीनों सेनाओं ने बहुत बेहतरीन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था, चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए। नेक्स्ट बताओ,
राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस प्लेटफॉर्म को पेमेंट प्लेटफॉर्म की अनुमति दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मैं पूरा डिटेल में करंट अफेयर पढ़ा चुका हूं, अब मैं उसके क्विज करा रहा हूं जो मैंने पहले कराए। जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस प्लेटफॉर्म को पेमेंट प्लेटफॉर्म की अनुमति दे दी है? तो आंसर है व्हाट्सएप। अब बेटा व्हाट्सएप से भी आप कोई भी लेन देन कर सकते हो, कोई भी सामान खरीद सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, बैंक में डाल सकते हो, तो व्हाट्सएप आंसर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, यहां से जैसे हम गूगल पे पेटीएम चलाते हैं, अब व्हाट्सएप भी आ गया है। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में आएगा। निशांत, आकाशी, लोकेश, बायोलॉजिकल, विरपल, बेटा ये हर एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी पेपर दे लेना, चाहे आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी का, यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। योगा सर बिल्कुल करंट अफेयर डिट्टो आती है पेपर में। बताइए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो बेटा हर साल 7 नवंबर से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाता है कि डरने की जरूरत नहीं है उन मरीजों से, जो कैंसर के मरीज हैं उनके साथ बैठो खाओ, कैंसर ऐसे नहीं फैलता है, और लोगों को स्वस्थ रहने की, एक्सरसाइज करने की पूरी अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट बताइए, जल्दी बताओ, छठवे का बताइए, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट सिस्टम से 10 उपग्रहों को छोड़ा है? बताइए, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी आओ, सारा सारे बच्चे जल्दी जल्दी आओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट सिस्टम के द्वारा 10 सैटेलाइट को छोड़ा है? बताइए इसका, सिक्स्थ का। तो बेटा इसका आंसर है PLSV, PSLV C-49 के द्वारा हाल ही में इसरो ने 10 सैटेलाइट को छोड़ा है, और ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी स्पेस में से हमारे पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन करेगी, भूकंप या फिर कोई भी खेती बाड़ी या फिर सीमाओं पर दुश्मन देश की गतिविधियों का पता लगाएंगी। तो 10 सैटेलाइट छोड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आ जाओ। बताइए, हाल ही में सिस्का, आपने सुना होगा सिस्का, सिस्का इलेक्ट्रिकल्स, आपने सुना होगा सिस्का इलेक्ट्रिकल्स, सिस्का की ट्यूबलाइट आती है, पंखे आते हैं सिस्का के, बहुत सारी चीजें आती हैं सिस्का की। तो बताइए, हाल ही में सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? सात का बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सेवंथ का। तो बेटा सेवंथ का आंसर है राजकुमार राव, सेवंथ का आंसर है राजकुमार राव, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे एक एक्टर हैं, और उनको ही सिस्का इलेक्ट्रिकल ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जल्दी जल्दी आओ, शाबाश। भारत मरकन, प्रिंस विशाल, विशाल कुमार, दीपक चौहान, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया सेवंथ का आंसर है बी, राजकुमार राव को सिस्का कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताइए, पहली बार हॉकी के लिए, पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हॉकी फेडरेशन का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? बताइए, जल्दी बताओ। आठवें का बताओ, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से पहली बार किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? लाइक शेयर करते रहना, सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे कि सेशन कैसा लगा। तो बताइए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से पहली बार इंडियन हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? तो बेटा एट्थ का आंसर है, याद रखना, सी, ज्ञानेंद्र निंगोम्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा, ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हाल ही में ज्ञानेंद्र निंगोम्बन को पूर्वोत्तर राज्यों में से पहली बार हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ का बताइए, नाइन्थ का बताइए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हाशिम खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अभी अभी न्यूज सुना होगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हाशिम खान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? लाइक शेयर करते रहो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टेंथ का, तो बेटा ये एक अरब देश है जिसका नाम है कोसोवा, तो कोसोवा के राष्ट्रपति हाशिम खान ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट बताइए, दसवें का बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजधानी क्षेत्रों के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आपको पता होगा भाई, दिल्ली और दिल्ली का पास वाला क्षेत्र पूरा का पूरा वहां पर पॉल्यूशन हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कि आप क्या कर रहे हो दिल्ली में, ऐसे तो दिल्ली के सारे लोग मर जाएंगे। तो उसके बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया है, उसका अध्यक्ष कौन है? बताइए, उसका अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका आंसर। टेंथ का बताओ, तो बेटा टेंथ का बताओ जल्दी जल्दी। तो टेंथ का है मुकेश खारे, हाल ही में मुकेश खारा को इनको भैया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट बताइए, इलेवंथ, इलेवंथ बताओ, हाल ही में एशियन
पब्लिकेशन द्वारा किए गए सर्वे में किस कंपनी को सबसे बढ़िया आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, यानी सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट की, सबसे पैसे वाली, आर्थिक तौर पर मजबूत सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इस वक्त इंडिया की? बताओ, 11th का बताओ सर जल्दी। IOCL, HDFC बैंक, TCS और रिलायंस। तो बेटा इसका आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में एशिया मनी पब्लिकेशन द्वारा HDFC बैंक को सबसे बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बताइए, बताइए हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य मुख्य इंफॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमिश्नर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को किस चीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 11th का बताओ। जाबाज, सुचित्रा, राजकुमार, उपेंद्र, आतिक, राज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है बेटा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, भारत का मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। अबे कल परसों ही तो पढ़ाया था ये मैंने कल परसों पढ़ाया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है आपको यार, इतना आसान सवाल है। कल परसों पढ़ाया है, पूरा डिटेल पढ़ाया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 तारीख को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार को नियुक्त किया है। बताइए बताइए, हाल ही में किस राज्य ने खेती की पराली जलाने पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है 13th का, बहुत इंपॉर्टेंट 13th का। इस एडमिशन कहां से लेना पड़ेगा बेटा? एडमिशन लेना है तो आपको अनकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जल्दी बताइए, हाल ही में किस स्टेट ने, किसान जो खेती जलाते हैं जिससे पॉल्यूशन हो जाता है, किस स्टेट ने इसमें जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी किसान पराली जलाते हैं जिससे पॉल्यूशन हो जाता है उस पर रोक लगाने के लिए किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। नेक्स्ट बताइए, वन रैंक वन पेंशन, हाल ही में वन रैंक वन पेंशन लागू की गई है। बताइए वन रैंक वन पेंशन किस सेवा से जुड़ी हुई है? वन रैंक वन पेंशन, जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक करे जाना मत। और जब क्लास खत्म हो जाए तो 10-15 मिनट बाद बताना कि सर आपका सेशन कैसा लगा है। मैंने पूरे डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ बाद में। बताइए, तो इसका आंसर आपको पता है आर्मर्ड फोर्स, आर्मी को भैया अभी अभी 2015 में आर्मी के लिए वन रैंक वन पेंशन लाया गया था, वो मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो इसको 5 साल पूरा होने पर अभी अभी इसका जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट बताइए, बताइए हाल ही में 120 वर्षों में पहली बार किस देश में 500 मीटर ऊंची कोरल रीफ पाई गई है? हाल ही में किस देश में पहली बार 120 सालों में 500 मीटर ऊंची कोरल रीफ पाई गई है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। 14 का नहीं, 15 का बताओ जल्दी जल्दी। तो बेटा ये है ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 120 सालों में 500 मीटर कोरल रीफ खोजी गई है। कोरल रीफ पढ़ाई थी मैंने, कोरल रीफ समुद्र के नीचे होती है, समुद्र के नीचे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पेड़ होते हैं और वहाँ प्रजातियाँ रहती हैं, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, हाल ही में किस देश ने एक रॉकेट से 13 सैटेलाइट को छोड़ा है? हाल ही में ये 13 है बेटा, याद रखना 10 नहीं है, 10 तो इंडिया ने छोड़े हैं, 10 तो इंडिया ने छोड़े हैं। तो ये हाल ही में किस देश ने एक रॉकेट से 13 सैटेलाइट छोड़ा है? अंकित चौधरी, अतीक राज, एस के शौर्य, दीपक, कुलदीप, अवधेश, राजेश विश्वकर्मा। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इसका आंसर बोलो, बताइए हाल ही में किस देश ने? तो बेटा चाइना ने, हाल ही में चाइना ने एक रॉकेट से 13 सैटेलाइट छोड़ी है और इंडिया ने कितने, 10 सैटेलाइट छोड़ी है। तो बताइए नेक्स्ट, बताइए लुहरी, पता है आपको लुहरी एक भैया पानी से बिजली बनाने वाला, लुहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में बनाया जा रहा है? यानी पानी से बिजली बनाने के लिए लुहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। तो मैंने ये कुछ बच्चों को कल भी पढ़ाए थे अनअकैडमी पर, कल मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया था पूरा ये डिटेल में।
बेटा हिमाचल प्रदेश के, मैंने ये पढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर लोहरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हम बिजली बना सकते हैं पानी से। नेक्स्ट बताइए, हाल ही में महिला T20 चैलेंज, हाल ही में महिला T20 चैलेंज 2020 को किस कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है? बायजूस, एयरटेल, सहारा या जियो? बताइए, हाल ही में महिला T20 चैलेंज 2020 को किस कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है, उसमें पैसा लगाया है, आयोजित करवाया है? बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये बेटा, याद रखना। अभी 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 जो आपके आईपीएल हुए हैं, वो अनअकैडमी ने, आईपीएल अनअकैडमी ने स्पॉन्सर्ड किए हैं। तो बताइए, वुमेन्स T20 चैलेंज किसने किया है? तो इसका आंसर है बेटा जियो। हाल ही में जियो कंपनी ने महिला T20 चैलेंज 2020 को स्पॉन्सर्ड किया है। नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर अब आपको बताना है। बताइए 19वें का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शेरो। और भैया बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे आया करो, सुबह तो मैं डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाता हूँ यार, कितनी बार बताऊँ, पूरा अच्छी तरह, उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूँ करंट अफेयर से जुड़े हुए, तो सारे लोग जब भी पेपर निकलेगा ही, जब भी क्वेश्चन में आएंगे, तो चुपचाप पूरी डिटेल में पढ़ा करो, ढंग से नोट्स बनाया करो। बताइए, हाल ही में किस बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है? तो दुनिया को पता है ये, बहुत बढ़िया, डी बता रहे? नहीं, इसका आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट बताइए, इसका बताओ, हाल ही में किस कंपनी को लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट का बेटा एक और नाम है, इसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो बताइए, हाल ही में लखनऊ एयरपोर्ट यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 का बताओ, अबे 20 का बताओ बेवकूफो। तो इसका आंसर है बेटा, याद रखना, इसका आंसर है आपका अडानी ग्रुप। हाल ही में अडानी ग्रुप को लखनऊ और मेंगलुरु एयरपोर्ट को 50 साल के लीज पर दिया गया है। अब अडानी ग्रुप उनको मैनेज करेगा, और उनसे पूरा मैनेजमेंट से लेकर सारे काम अडानी ग्रुप करेगा। तो ये भैया 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, मैंने अब आपको देखो डिटेल में करंट अफेयर पढ़ा दिया है, मैंने आपको पूरा डिटेल में ये करंट अफेयर पढ़ा दिए, और डिटेल में करंट अफेयर पढ़ाने के बाद मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए इंपॉर्टेंट, जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करा दिए। बाकी नेक्स्ट बता दो, एक और क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन और हैं। बताइए, फास्ट टैग को चार पहियों के लिए, कल पढ़ाया है ये, कल पढ़ाया है, फास्ट टैग को चार पहिए वाहनों के लिए कब से अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से हर फोर व्हीलर को फास्ट टैग लगाना होगा। बताइए 22 का आंसर बताओ जल्दी, 22 का आंसर बताओ बेटा जल्दी, शाबाश। रोहित मिश्रा आर्मी, आई एम राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरवीर सिंह, गोलू, गौतम कुमार, विशाल कुमार, बताइए इसका आंसर, आईपीएल कहाँ, आईपीएल 2020 कहाँ, किसने जीता है? तो इसका आंसर है बेटा ए, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कितना बहुमत चाहिए? इसका आंसर कोई बता दो, इसका आंसर, बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कितना बहुमत चाहिए? कल परसों चुनाव हुए हैं, कल परसों इलेक्शन हुए हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि बिहार में एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बन के रही है, 115 सीट, उसके बाद एनडीए गठबंधन को 115 सीट मिली है, 125 सीट मिली है एनडीए गठबंधन को, 125 सीट मिली है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी आई है, सबसे 75 सीट कर जीत कर, लेकिन बिहार की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? आंसर बताओ जल्दी, जल्दी आंसर बताओ। बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं। तो बेटा इसका आंसर है 122, याद रखना, इसका आंसर 122। अरे बिहार में, यार बिहार में 243 सीट है, बिहार में 243 सीट है, तो 243 का आधा कर दो, प्लस वन कर दो, इसी को तो बहुमत कहते हैं। तो 122 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, जिसमें एनडीए की सरकार बनी है और प्रधान मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी 75 सीटों के साथ, बीजेपी दूसरे नंबर पर 74 सीटों के साथ।
तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। कल सुबह फिर मैं हाजिर होता हूँ, 7 बजे करंट अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं, 7 बजे डिटेल करंट अफेयर जरूर आया करो। तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्ट डालिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डालिए, उसके बाद NDA XY ग्रुप खोलिए, उसमें दिनेश सिंह कुंतल सर्च कीजिए और DSK01 डालकर 10% डिस्काउंट के साथ आप मेरा NDA का बैच ले सकते हो, एयरफोर्स का, आर्मी, नेवी, किसी की भी तैयारी कर सकते हो। तो मैं अनअकैडमी पर GS पढ़ा रहा हूँ डेली, और 10% डिस्काउंट के लिए DSK01 कोड डालें। धन्यवाद। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए अपने बड़े भाई पर। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करना है और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, और इसमें और कुछ सुधार करना हो तो बताइएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कराता हूँ करंट अफेयर के ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।